व्हाट्स अप गाइस, आई होप यू आर डूइंग वेल। आई एम वीर, वेलकम टू स्टडी लवर फैमिली। ये देखिए कितनी शानदार बात यहाँ पर बोली गई है, विचारों को पढ़कर बदलाव नहीं आता, विचारों पर चलकर ही बदलाव आता है। और भीमराव अंबेडकर जी के द्वारा ये बात बोली गई है। जब तक आप लोग 1000 मोटिवेशन वीडियो सुन लीजिए, चाहे आप लोगों कितने ही मोटिवेशन लेक्चर कोई आप लोगों को आकर दे ले, पर लेकिन जब तक आप लोग उनमें से कोई एक पॉइंट इंप्लीमेंट करना स्टार्ट अपनी लाइफ में नहीं करेंगे, आप लोगों को फायदा नहीं होने वाला है। बोलता हूं मॉर्निंग में अपना शेड्यूल अच्छे से फॉलो करना स्टार्ट कीजिए, आप लोग इवनिंग तक अपने आप को मोटिवेट फील करेंगे। पर लेकिन कुछ बच्चे करते हैं और कुछ नहीं करते हैं। मॉर्निंग में उठने के लिए बोलता हूं, कुछ उठते हैं कुछ नहीं उठते हैं। तो जो उठते हैं और अपना शेड्यूल फॉलो कर चलते हैं तो देखिए वो अच्छा फील करेंगे और उनको अपनी लाइफ में चेंजेस होते हुए नजर आएंगे। पर लेकिन जो इसको सुनकर भूल जाते हैं और मेरे अलावा पता नहीं कहां पर भी और दुनिया भर की मोटिवेशनल वीडियो सुनते होंगे, पर लेकिन किसी की भी वो बात इंप्लीमेंट नहीं करते हैं, चाहे कितना भी उनको कोई क्यों ना समझा ले तो उसका कोई मतलब है नहीं। देखिए विचार जो है ना, ये बोलते हैं कि एक विचार दुनिया चेंज कर देता है, पर लेकिन मेरा मानना यह है कि वो विचार तब तक दुनिया चेंज नहीं करता जब तक आप लोग उसको इंप्लीमेंट करना स्टार्ट नहीं करेंगे। विचार तो आपके माइंड में भी 1000 आते होंगे सुबह से शाम तक, पर लेकिन कितने दुनिया चेंज करने वाले हैं उनमें से? तो देखिए असली बात यहां पर यह है कि विचार आना एक पोर्शन आप लोग बोल सकते हैं, पर लेकिन सबसे बड़ी बात है उसको इंप्लीमेंट करना। जब तक आप लोग इंप्लीमेंट नहीं करोगे तो ऐसे पता नहीं कितने हजारों विचार आएंगे और जाएंगे। जितनी बातें आप लोग सुनते हो, जितनी बातें आप लोग सोचते हो, उनमें से अगर आप लोग 1% भी इंप्लीमेंट कर दे अपनी लाइफ में तो लाइफ जो है वो सफल हो जाएगी। पर लेकिन ऐसा नहीं करते हैं, इग्नोर करते रहते हैं और अपने कंफर्ट जोन से बाहर आने की कोशिश ही नहीं करते हैं। तो इसीलिए बोला जा रहा है कि अगर बदलाव चाहते हैं तो विचार पर चलिए, ना कि बस उसके बारे में सोचते रहिए। सोचने से कुछ नहीं होगा। सामने अगर खाना रखा हुआ है, जब तक आप लोग खाएंगे नहीं उसको उठाकर, वो मुंह में नहीं जाने वाला है। तो इसी तरीके से यहां पर विचार पर चलकर काम चलेगा, ना कि उसके बारे में सोचकर या फिर उसके बारे में पढ़कर ओनली। ओके, आज आप लोगों का जो मैप बेस्ड क्वेश्चन है ये है ग्रीस, जाकर मैप में निहारेगा। कल फिर इसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे, बाकी काफी कुछ शानदार डिस्कस करने के लिए आज के द हिंदू न्यूज पेपर में। पैटर्न हमारा यही रहने वाला है डिस्कशन का, जो कि हम लोग डेली फॉलो करते हैं। इसी के साथ में देखते हैं क्या क्या हम लोग को डिस्कस करना है। पर आगे बढ़ने से पहले आप लोगों के सामने है यहाँ पर ये पिक्चर, काफी शानदार टूलिप, एक फूल होता है जिसका ये गार्डन है हमारी कंट्री में, तो एशिया का सबसे बड़ा गार्डन है। और ये फिलहाल अभी यहाँ पर ओपन है और टूरिस्ट यहाँ पर इंजॉय कर रहे हैं। ये लगभग 12 हेक्टेयर में फैला हुआ गार्डन है। आप लोगों को ये बताना है कि इसकी लोकेशन कहाँ पर है, काफी इंपॉर्टेंट और काफी इंटरेस्टिंग है, इसके बारे में आप लोगों को पता होना चाहिए। आइए अब नजर डालते हैं कुछ क्वेश्चंस के आंसर के ऊपर, जो आप लोगों से लास्ट वीडियो जो यहाँ पर बोल रहा हूँ तो इसका मतलब है सैटरडे, क्योंकि संडे की जो वीडियो होती है वो कंप्लीटली डिफरेंट होती है, उसका कोई रिलेशन नहीं होता है जो सैटरडे वाली वीडियो के साथ में। हाँ, हालांकि अब की बार का जो था एक मैंने आर्टिकल उसमें डिस्कस किया था जो कि आप लोगों को बचा हुआ था, काफी इंटरेस्टिंग आर्टिकल था, तो जिस किसी ने वो नहीं देखा है आप लोग उसको जरूर देखिए, स्टार्टिंग में डिस्कस किया था। अगर आगे की वीडियो नहीं देखनी है मत देखिएगा, पर लेकिन वो आर्टिकल आप लोग देख सकते हैं, स्टार्टिंग की 7-8 मिनट में लगभग वो फिनिश मैंने कर दिया था। आगे बढ़ते हैं इन क्वेश्चन के आंसर के ऊपर। सबसे पहले बात की जा रही है अभी ब्लैक होल की इमेज, जो फर्स्ट इमेज हमारे सामने निकल कर आई वो यहां पर इवेंट होराइजन टेलीस्कोप के द्वारा ली गई थी, और अकेले नहीं है, कोलैबोरेट करके यहां पर ये पिक्चर निकलकर सामने आई थी। तो इवेंट होराइजन EHT, इसके बारे में आप लोग याद रखेगा, और 10 अप्रैल को ये पिक्चर सामने निकल कर आई थी। इससे पहले किसी को पता भी नहीं था कि ऐसा कुछ पिक्चर होगी ब्लैक होल की। नेक्स्ट हम लोगों ने यहां पर बात की थी कुछ जो गैलेक्सीज के बारे में, सबसे पहले बात की थी यहाँ पर सेजिटेरियस ए, और इसी के साथ में हमारी जो गैलेक्सी है उसका नाम है मिल्की वे, और इसी के साथ में मेजा 87 गैलेक्सी के बारे में भी हम लोगों ने जाना था। तो काफी दूर है हमारी गैलेक्सी से ये सारी चीजें, और जहां पर ब्लैक होल की बात करते हैं, कई बार ये भी क्वेश्चन आप लोगों से स्टेटमेंट के बेस पर पूछा जा सकता है कि क्या ये हमारी कंट्री के, ये हमारी पृथ्वी के ऊपर इंपैक्ट डाल सकते हैं ब्लैक होल? तो देखिए फिलहाल तो अभी नहीं, क्योंकि बहुत ही ज्यादा दूर है ये, फिलहाल अगर डिस्टेंस इनकी देखी जाए हमारी गैलेक्सी से, और हमारी गैलेक्सी है मिल्की वे, इसका भी नाम आप लोगों को पता होना चाहिए। नेक्स्ट बात करते हैं उस इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटी के बारे में जो कि एक असिस्टेंट प्रोफेसर है कैलिफोर्निया इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी के अंदर। इनके द्वारा सारे डेटा को इकट्ठा कर ये इमेज क्रिएट की गई है, जिनका नाम है कैटी वुमन। इनके द्वारा ये इमेज क्रिएट की गई है ब्लैक होल से रिलेटेड, तो इसके बारे में भी आप लोग आइडिया रख सकते हैं। इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटी है और क्वेश्चन कई बार पूछ लिए जाते हैं। आगे बात करते हैं कामागाता मारू इंसिडेंट के बारे में। ये वो इंसिडेंट था जो कि आप लोगों को 1914 में देखने को मिला। हमारी कंट्री के बहुत सारे सिख कम्युनिटी के लोग यहां पर कनाडा पहुंच रहे थे, पर लेकिन वहां पर इनको एंट्री नहीं दी गई। फिर ये रिटर्न कलकत्ता आए और यहां पर जो ब्रिटिश फोर्सेस थी इनके ऊपर अंधाधुंध फायरिंग की गई और कई सारे लोगों की जान गई। तो ये था यहां पर कामागाता मारू इंसिडेंट, और ये कामागाता मारू ये जापानीज सिख है, इसके बारे में आप लोग पता रख सकते हैं। बहुत ही फ्रिक्वेंटली एक एवरग्रीन टाइप क्वेश्चन है जो कि बहुत बार पास्ट में पूछा जा चुका है। इसी के साथ में बात की जा रही है यहाँ पर
जो रॉयल्ट एक्ट या फिर प्रेस एक्ट, ये सारे जो एक्ट थे ये मार्च 1922 में रिप्लेस किए गए थे। ठीक है, खासकर काफी प्रेशर यहां पर डाला गया इंडियन के द्वारा और यूके में जो खासकर फॉलो करने वाले थे, सपोर्ट करने वाले थे इंडियन कम्युनिटी को, उनके द्वारा रशिया के प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन के द्वारा अपना खुद का हाईएस्ट अवार्ड जो इनका सिटीजन अवार्ड है, खासकर जैसे हमारा भारत रत्न है, वो हमारी कंट्री के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी को अभी दिए जाने की बात कही गई है। इसका नाम भी आप लोग याद रखिएगा, यह ऑर्डर ऑफ होली अपोस्टले एंड्रू द फर्स्ट। ठीक है, तो ये इनका भारत रत्न आप लोग बोल सकते हैं रशिया का। ओके, ये हमारी कंट्री और रशिया के बीच में जो बायलेटरल रिलेशन को सुधारा गया है उसके लिए यहां पर ये दिया जा रहा है। बाकी देखते हैं क्या क्या डिस्कस करना है। आप लोग फॉलो कर सकते हैं मुझे फेसबुक पे, इसी के साथ में जो आप लोगों को टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप लोग जाकर अगर पीडीएफ डाउनलोड करना चाहते हैं। तो सबसे पहली बात की जा रही है पॉवर्टी को हटाने की बात, आखिर कैसे हम लोग गरीबी हटा सकते हैं। बीजेपी की पीएम किसान और जो यहां पर अभी राहुल गांधी जी की जो नई स्कीम निकल कर आ रही है, तो इन दोनों को कंपेयर किया जा रहा है किस तरीके से, वो डिटेल में यहां पर डिस्कस किया गया है, तो नजर डालेंगे। जूलियन असांज के बारे में ये आर्टिकल है, डिटेल में डिस्कस करूंगा आखिर कंडीशन क्या बन गई कि इस इंसान को ऐसी यहां पर प्रॉब्लम यहां पर फेस करनी पड़ गई आज की डेट में, तो जानेंगे क्या क्या बातें यहां पर हो रही हैं। ये जो आर्टिकल है ये बीजेपी और कांग्रेस के मैनिफेस्टो को फोकस कर रहा है, खासकर जो आज की डेट में सिक्योरिटी वाला या फिर हमारी कंट्री की जो आर्मी का जो खासकर आज की डेट में जो यूज किया जा रहा है उसके बारे में हल्का सा आइडिया कर रहा है। मेनली जो फोकस है यहाँ पर हमारी कंट्री की सिक्योरिटी के बारे में बात कर रहे हैं, तो ये बोल रहे हैं कि जो कांग्रेस का मैनिफेस्टो है वो ज्यादा बेटर है अगर इंडियन सिक्योरिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए एज कम्पेयर टू बीजेपी के मैनिफेस्टो को। और ये यहाँ पर जो मसूद अजहर है उसको थैंक्स बोल रही है कि मसूद अजहर की वजह से कहीं ना कहीं अब सिक्योरिटी भी हमारी कंट्री की पॉलिटिकल पार्टी के मैनिफेस्टो में आ रहा है, तो ये बहुत बड़ी बात है, वरना इस तरीके के मुद्दे कभी मैनिफेस्टो में आते ही नहीं थे। नॉर्थ ईस्ट से रिलेटेड अगर आर्म फोर्स स्पेशल पावर एक्ट की भी हम लोग बात करें तो कांग्रेस ज्यादा सीरियस है इस पर्टिकुलर मुद्दे को लेकर, यह बात बोली जा रही है एज कंपेयर टू बीजेपी। तो बाकी कुछ नहीं है, ये इसके बारे में ज्यादा इंपोर्टेंट नहीं है, क्योंकि जो भी पॉलिटिकल पार्टी जीत कर आएगी अब मैनिफेस्टो उसका इंप्लीमेंट किया जाएगा, अब वो डिपेंड करेगा जनता के ऊपर कि कौन सी पॉलिटिकल पार्टी को जिताकर यहां पर लाया जाता है, तो ये देखने वाली बात होगी। तो ये मुद्दा था, आगे यहां पर बात किया जाए ये वाला आर्टिकल भी जो साइड वाले पेज पे है और ये वाला, दोनों मैंने अभी आप लोगों को बताया जूलियन असांज के बारे में, तो डिटेल में यहां पर डिस्कस करूंगा। इसी के साथ में ये वाला आर्टिकल मायावती जी से रिलेटेड है तो इसके हम लोग नहीं डिस्कस करेंगे, इंपॉर्टेंट आर्टिकल नहीं है। ये वाला आर्टिकल जो आज की डेट में पोलिटिसाइज किया जा रहा है हमारी कंट्री की मिलिट्री को, उसके बारे में है, बोला जा रहा है बहुत खतरनाक सिद्ध हो सकता है आने वाले टाइम में अगर मिलिट्री का यूज करेंगे पोलिटिसाइज करने में, तो इसको बंद कर देना चाहिए, तो नजर डालेंगे, डेटा पॉइंट है इसके ऊपर नजर डालेंगे। ये वाला जो आर्टिकल है यहां पर, ये वाला आर्टिकल बात कर रहा है साउथ इंडिया में एक नेशनल हाईवे के बारे में। देखिए हुआ क्या, यहां पर एक हाईवे बनाने की बात की गई और उस हाईवे को जो बनाने की बात की गई तो रैंडमली वहां पर क्लियरेंस लिया गया, यानी कि ना तो वहां पर जनता जो उस पर्टिकुलर एरिया में रह रही है जो जमीन एक्वायर करने की बात की गई उस पर फोकस किया गया, ना ही वहां पर जो इन्वायरमेंट के जो क्लियरेंस ढंग से लेने थे उन पर फोकस किया गया, और प्रोटेस्ट जो जनता कर रही थी उसको भी पुलिस के द्वारा सप्रेस करने की कोशिश की गई। तो इस नेशनल हाईवे को जो हाईकोर्ट है यहां पर उसके द्वारा यहां पर बर्खास्त कर दिया गया कि ऐसा नहीं है, पहले आप लोग कंप्लीट रिपोर्ट मेरे सामने लेकर आइए कि क्या सही है और क्या गलत है। और ये जो बात की गई मद्रास हाईकोर्ट के द्वारा की गई है, और ये था यहाँ पर चेन्नई सलीम कॉरिडोर, जिसका नाम आप लोग रख सकते हैं, ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, बस हल्का सा आइडिया आप लोग रखते हैं कि चेन्नई सलीम कॉरिडोर कहां पर है। तो ये यहाँ पर साउथ इंडिया में खासकर तमिलनाडु में ये बात की जा रही है, तो इसके बारे में हल्का सा आइडिया आप लोग होना चाहिए आप लोगों को। ठीक है, आइए अब आगे बढ़ते हैं, बाकी जो आर्टिकल डिस्कस करने हैं उनके ऊपर नजर डालते हैं। सबसे पहले सबसे इंपॉर्टेंट आर्टिकल यहाँ पर जूलियन असांज के बारे में है, डिटेल में जानते हैं आखिर क्या क्या कंडीशन है। सबसे पहले जानते हैं ये किस कंट्री के नागरिक हैं, तो ये ऑस्ट्रेलिया के नागरिक हैं। अभी ये जो ऑस्ट्रेलिया के नागरिक हैं इनके द्वारा एक वेबसाइट स्टार्ट की गई विकिलीक्स के नाम से। ये जो वेबसाइट थी ये अलग अलग कंट्रीज की इंफॉर्मेशन रिवील करती थी जहां से भी इसको डेटा मिलता था, और खासकर आप लोग बोल सकते हैं कि आज की डेट में जो मीडिया को जिस तरीके से फोर्थ पिलर माना जाता था तो एक फोर्थ पिलर के रूप में ये उभर कर यहाँ पर आ रहे थे। खासकर जो इन्फॉर्मेशन छिपाई जाती थी वो इन्फॉर्मेशन जनता के सामने लेकर आते थे ताकि रिकॉग्नाइज किया जा सके कि हाँ ये सही है और ये गलत है। अगर जनता के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो ये काफी फायदेमंद है, पर लेकिन जिस भी कंट्री की इन्फॉर्मेशन रिवील की जा रही थी उस कंट्री के लिए ये काफी नुकसानदेह था, क्योंकि उस कंट्री के ऊपर बहुत सारे क्वेश्चन मार्क लग जा रहे थे। तो अभी आखिर ये फिर से न्यूज में क्यों आ गए? अभी जूलियन असांज इसलिए न्यूज में आ गए क्योंकि रिसेंटली अभी ये लंदन में इक्वाडोर की जो एम्बेसी है उसमें ये काफी लंबे समय से रह रहे थे। अभी फिलहाल 11 अप्रैल को इक्वाडोर जो कंट्री है उसने जो असाइलम इनको दे रखा था वो इनसे छीन लिया और ये अब अरेस्ट कर लिए गए हैं। तो ये जैसे ही अरेस्ट किए गए तो फिर से न्यूज में आ गया कि देखिए यहां पर कंपेयर किया जा रहा है दो चीजों का,
एक तो है फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, यानी कि जनता को पता होना चाहिए कि क्या चल रहा है, और राइट टू इंफॉर्मेशन की बात की जा रही है, इसके वर्सेस में नेशनल सिक्योरिटी की बात की जा रही है, यानी कि बैलेंस बनाने का जो डिबेट है वो फिर से स्टार्ट हो गया है कि कहां तक आप लोग नेशनल सिक्योरिटी को एक तरीके से प्रिफरेंस देंगे एज कंपेयर टू कि लोगों को इसके बारे में पता होना चाहिए कि एक्चुअल में चल क्या रहा है, तो उसके बारे में यहां पर कंडीशन निकल कर आई। तो देखिए कई सारे चार्ज ये फेस कर रहे थे अलग अलग कंट्री से, तो उसी के बारे में अभी यहां पर कंप्लीट इन्फॉर्मेशन है, तो जो लिखा हुआ है उसको मैं आप लोगों को डिटेल में यहां पर समझाता हूं अच्छे से। देखिए हुआ क्या कंडीशन, हुआ ये कंडीशन, इन्होंने जैसे ही वेबसाइट स्टार्ट की पहले तो छोटी छोटी इन्फॉर्मेशन रिवील किया करते थे किसी पर्टिकुलर कंट्री के बारे में, खासकर जो डेवलप्ड इकोनॉमी भी नहीं है उनके बारे में, तो ये ज्यादा न्यूज में नहीं रहते थे। पर लेकिन जब इन्होंने पकड़ा यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका के जो ऑपरेशन अफगानिस्तान में या अलग अलग कंट्रीज में चल रहे थे, और ऑपरेशन जैसे इनके द्वारा वो चलाए जा रहे थे वो एक तरीके से ह्यूमैनिटी के खिलाफ थे, यानी कि यहां पर इनको कुछ ऐसी पिक्चर हाथ लग गई जो कि जो इनके जो यूएसए की जो फोर्सेज है, जो यूएसए की फोर्सेज जिस तरीके से ग्राउंड लेवल पर काम कर रही थी, यानी कि अंधाधुंध वहां पर फायरिंग कर रही है, खासकर वहां पर जो लोकल जनता है उसको भी नहीं छोड़ रही है, ऐसे ऐसी जो पिक्चर सामने निकल कर आई उसकी वजह से बहुत ज्यादा इनका क्रिटिज्म देखने को मिला। तो इसकी वजह से यहां पर जो ये यूएसए का क्रिटिज्म हुआ, तो यूएसए ने बोला कि ये कहीं ना कहीं हमारे जो ऑपरेशन है मिलिट्री के द्वारा चलाए जा रहे हैं उसकी जो इन्फॉर्मेशन लीक कर रहा है, तो हम लोग इसको छोड़ेंगे नहीं, कुछ ऐसी बात निकल कर आई, यानी कि हम लोग इसके ऊपर केस चलाएंगे और इनको पकड़ा जाएगा। तो इन्होंने क्या किया, तो ऐसी कुछ इन्फॉर्मेशन रिवील करी, पहली बात वो थी। फिर आगे चलकर जो काफी इंपॉर्टेंट बात निकल कर आई उसमें भी इनको संलिप्त पाया जा रहा है। ये पहली जो इन्फॉर्मेशन यूएसए की इनको हाथ लगी, ये यहां पर इन्हीं के जो आर्मी के ऑफिसर थे, इंटेलिजेंस ऑफिसर, उनके द्वारा दी गई। तो ये जो ऑफिसर के द्वारा इनको इन्फॉर्मेशन दी गई, इन्होंने वो रिवील कर दी, और ये जो ऑफिसर थे इनका नाम था चेल्सी मैनिन, तो इनके द्वारा इन्फॉर्मेशन दी गई। हालांकि ये ऑफिसर भी काफी न्यूज में थे क्योंकि ये ऑफिसर हैं स्टार्टिंग में अपने आप को ये मेल बताते थे, फिर इन्होंने अपना जेंडर चेंज करके ये फीमेल बन गए, तो ये भी काफी न्यूज में रहा करते थे। तो इनके द्वारा ये इन्फॉर्मेशन सारी जूलियन असांज को दी गई, और जूलियन असांज ने वो सारी इन्फॉर्मेशन पब्लिक कर दी, तो उसकी वजह से यहां पर ये इनके जो यूएसए है वो काफी गुस्सा है इनके ऊपर। और दूसरी कंडीशन यहां पर ये है, जब यहां पर बात करते हैं डोनाल्ड ट्रंप का इलेक्शन हुआ 2016 में, तो उस टाइम पर जो अपोजिशन की पार्टी थी हिलेरी क्लिंटन, उनकी कई सारी इन्फॉर्मेशन इनके द्वारा रिवील की गई, और वो इन्फॉर्मेशन इनको एक रशिया के हैकर के द्वारा इनको दी गई, और वो इन्फॉर्मेशन ऐसी थी जो कि जो डेमोक्रेट्स की जो कैंडिडेट थी हिलेरी क्लिंटन, उनकी इमेज करने खराब करने के लिए वो काफी थी। इसकी वजह से कहीं ना कहीं डोनाल्ड ट्रंप को काफी फायदा मिला, कहीं ना कहीं ये माना जा रहा है कि एक बहुत बड़ा रोल प्ले करा गया उनके द्वारा भी, जो उनकी इमेज खराब हुई, तो इससे डोनाल्ड ट्रंप को सपोर्ट और ज्यादा मिल गया, जिसकी वजह से डोनाल्ड ट्रंप यहां पर जीत कर आए, ये एक मुद्दा था। इसी के अलावा कई सारी ऐसी इन्फॉर्मेशन भी इनके द्वारा रिवील की गई, जैसे कि यूएसए में जो आज की डेट में जेल में लोगों को रखा जाता है, तो किस तरीके से उनको ट्रीट किया जाता है, किस तरीके से वहां पर जो जेल में उनको जानवरों की तरीके से रखा जाता है, और क्या क्या हद तक जाते हैं इन्फॉर्मेशन उससे निकलवाने के लिए, तो वो भी यहां पर इनके द्वारा कई सारे डॉक्यूमेंट पब्लिक कर दिए गए। तो यूएसए के ये एक तरीके से जानी दुश्मन हो गए हैं आज की डेट में अगर देखेंगे। अब बात यहां पर ये निकल के आती है, तो यूएसए बोल रहा है कि हमारा जो जासूसी एक्ट है कहीं ना कहीं उसके तहत यहां पर सजा सुनाई जाएगी, और इसने हनन किया है हमारी सिक्योरिटी का। अब देखिए बात ये निकल कर आती है, यूके का कंसर्न है और कई सारी कंट्री का कंसर्न है कि अगर यूएसए को सौंप दिया जाता है तो क्या यहां पर इसको फांसी की सजा दी जाएगी। अब मान लीजिए उस कंट्री को सौंप देना जहां पर फांसी डेथ पेनल्टी एप्लीकेबल है, तो ये सही बात नहीं है। यूएसए तो देखिए अपना खुन्नस निकालने के उसमें मूड में बैठा है, हालांकि आज के डेट में पावर में डोनाल्ड ट्रंप है और डोनाल्ड ट्रंप को तो फायदा देखने को मिला है, वो एक अलग बात है। पर फिर भी एक साइड में तो आप लोग देख रहे हैं कि एक ऐसा पर्सन जो कि रियल इन्फॉर्मेशन, जो कि जनता को पता होनी चाहिए कि एक्चुअल में चल क्या रहा है, ऑल ओवर वर्ल्ड को पता होनी चाहिए, वो सामने निकाल के लेकर आ रहा है, और दूसरी साइड में कहीं ना कहीं उसी को यहां पर सजा सुनाने की कोशिश की जा रही है। तो देखिए अगर आप लोग चाहते हैं कि डेमोक्रेसी वीक ना हो, तो तभी वीक नहीं होगी जब जनता को पता रहेगा कि उनके ऊपर रूल करने वाले जो लोग हैं वो कैसे रूल कर रहे हैं। तो देखिए यहां पर जो इनको जिस तरीके से पकड़ा गया है, और इस तरीके से आगे फ्यूचर में कोई सोचेगा भी नहीं कि ये सारी इन्फॉर्मेशन जनता के सामने निकालकर लाई जाए, तो आने वाले टाइम में डेमोक्रेसी के ऊपर काफी इंपैक्ट इसका पड़ने वाला है, और खासकर जर्नलिस्ट जो हैं अलग अलग कंट्रीज में जो कि एंटी सीक्रेसी एडवोकेसी करते हैं उनको भी कहीं ना कहीं मारा जा रहा है। बहुत सारे ऐसे जर्नलिस्ट हैं जो कि खासकर अरेस्ट कर लिए गए हैं अलग अलग कंट्री में जो ऐसी बातें करते हैं। तो इस तरीके से आने वाले टाइम में ये सही पैटर्न ही चलता आ रहा है, जिसकी तरीके से अगर हम लोग देखें कि हाँ डेमोक्रेसी स्ट्रेंथन होने वाली है, क्योंकि जनता को पता ही नहीं है गवर्नमेंट क्या कर रही है, कैसे जासूसी कर रही है, कितना उनके ऊपर ध्यान रखे हुए हैं, उनके मैसेजेस पढ़े जा रहे हैं, किस तरीके से क्या क्या बातें चल रही हैं। तो ये तमाम मुद्दे आने वाले टाइम में एक नेगेटिव इंपैक्ट ऑल ओवर वर्ल्ड पर डालने वाले हैं।
तो ये था यहां पर कंप्लीट आर्टिकल इनके बारे में, जो कि आप लोगों को पता होना चाहिए। आइए अब आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट आर्टिकल पर आगे बढ़ने से पहले आप लोगों के सामने है क्वेश्चन, और आई होप कि आप लोग क्वेश्चन का आंसर जरूर देंगे, और ये काफी इंपॉर्टेंट है। आप लोगों को आंसर अगर देना हो, अगर आंसर नहीं देंगे तो देखिए आप लोगों को बहुत ज्यादा प्रॉब्लम फेस करनी पड़ेगी एग्जाम में। तो पॉलिटिसाइज जो किया जा रहा है मिलिट्री का, तो उसको बोला जा रहा है कि मिलिट्री और पॉलिटिक्स को मिक्स नहीं करना चाहिए, दोनों अलग अलग हैं और दोनों को अलग अलग ही रखना चाहिए। ये हमारी डेमोक्रेसी के लिए अच्छा नहीं होगा अगर हम लोग इसको मिक्स करेंगे। इसके ऊपर आप लोगों को कमेंट करना है। आखिर न्यूज में किस लिए है? बहुत सारे ऐसे जो आर्मी के जो इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटी हैं वो सामने निकल कर आए, और उन्होंने प्रेसिडेंट से रिक्वेस्ट करी कि जो आज के डेट में पॉलिटिकल पार्टीज यहां पर यूज कर रही हैं मिलिट्री का वोट बटोरने के लिए, वो सही तरीका नहीं है और इसको रोक देना चाहिए, वरना ये काफी खतरनाक होगा। आइए जानते हैं क्या क्या बातें यहां पर की जा रही है। तो बोला जा रहा है कि पॉलिटिक्स को मिलिट्री के साथ में मिक्स मत करो, डेमोक्रेसी के लिए अच्छा नहीं है। 11 अप्रैल को बहुत सारे लगभग 150 जो सीनियर मिलिट्री ऑफिसर्स थे उनके द्वारा ये प्रेसिडेंट को लेटर लिखा गया, और उसमें यह बोला गया कि पॉलिटिसाइजेशन करना बंद कर दीजिए मिलिट्री का, वरना कंडीशन काफी बर्बाद हो जाएगी। तो इसके लिए जो भी नेसेसरी जो स्टेप होने चाहिए वो लेने चाहिए, ताकि पॉलिटिकल पार्टी यहां पर ये इस तरीके से कि भी आर्मी का सिंबल या यूनिफॉर्म या फिर कोई भी आर्मी से रिलेटेड जो न्यूज है उसको वोट बैंक बनाने के लिए पॉलिटिकल एजेंडा न बनाए, और इसको साइड में रखकर अपना न्यूट्रल एक काम रखे। आर्मी जो न्यूट्रल है हमारी कंट्री की, उसको न्यूट्रल ही रहने दे, क्योंकि आर्मी में जिस तरीके से अभी रिसेंटली जो यूज किया गया है, जैसे बालाकोट में जो स्ट्राइक की गई, पुलवामा अटैक, तो कहीं ना कहीं जो आज की डेट में जो गवर्नमेंट है उसने कई सारे ऐसे मुद्दे सामने लेकर आए कि कहीं ना कहीं ये मान रहे थे कि हाँ ये हमारा ही पार्ट है, और यहां तक बोल दिया गया योगी जी के द्वारा कि मोदी की सेना, यानी कि मोदी की सेना बोल दी गई हमारी कंट्री की आर्मी को। तो ये बहुत ही भद्दा कमेंट आप लोग बोल सकते हैं, क्योंकि मोदी की सेना बनाने का मतलब है कि मोदी जी के चंगुल में है यहां पर हमारी आर्मी, और ये बिल्कुल भद्दा कमेंट है। कम से कम ऐसी चीजें यहां पर नहीं आनी चाहिए, और इसका आप लोग कॉन्सिक्वेंसेस देख सकते हैं आगे आने वाले टाइम में, अगर ये ऐसी कंडीशन यहां पर चलती रही, और ये टोटली अनएक्सपेक्ट है, यानी कि ये एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा ऐसे जो कमेंट यहां पर निकलकर सामने आ रहे हैं। सबसे बड़ी बात यहां पर क्या है, देखिए अगर मिलिट्री को इस तरीके से हम लोग इलेक्ट्रोल गेन के लिए यूज कर रहे हैं तो ये खतरनाक होगा। वो खतरनाक कैसे होगा? अफ्रीका कंट्री के, आप लोग अफ्रीका कॉन्टिनेंट के किसी भी कंट्री का नाम ले लीजिए, वहां पर रिसेंटली अभी सूडान का आप लोग उदाहरण ले लीजिए, अभी क्या हुआ वहां पर, आर्मी के द्वारा तख्ता पलट दिया गया पॉलिटिकल पार्टी का, यानी कि पॉलिटिकल पार्टी जो थी उसका तख्ता पलट दिया गया और आर्मी के द्वारा कंट्रोल कर लिया गया वहां पर। लंबे समय से यहां पर सेम कंडीशन थाईलैंड में आप लोगों को देखने को मिली, कुछ दिनों पहले म्यांमार में ऐसी कंडीशन आप लोगों को देखने को मिल रही थी। आप लोग पड़ोसी देश पाकिस्तान में जानते हैं कि मिलिट्री का कितना ज्यादा इंटरफेरेंस रहता है। अगर मिलिट्री उस मुद्दे में आ गई कि हाँ भैया हम भी यहां पर इंटरफेरेंस करके इस जो सिविलियन पावर का मजा उठा सकते हैं, हम भी यहां पर रूल कर सकते हैं, तो सोचिए कि मिलिट्री को कितना टाइम लगेगा। जरा सी देर में पूरी कंट्री को कैप्चर कर लेगी मिलिट्री, फिर क्या कर लेगी पॉलिटिकल पार्टी जो आज की डेट में इस तरीके की हरकतें कर रही है। और अगर एक बार यहां पर यह इंटरफेरेंस हो गया तो फ्यूचर में भी ये चलता रहेगा, तो इस तरीके से कमेंट करने से बचना चाहिए अगर रियलिटी में आप लोग अपनी डेमोक्रेसी को मेंटेन रखना चाहते हैं। इवन 1971 में इंदिरा गांधी जी के द्वारा बहुत बड़ा रोल प्ले किया गया था, जिस तरीके की डिप्लोमेसी उनके द्वारा खेली गई थी, जिसकी वजह से जो पाकिस्तान जो था वो दो टुकड़ों में डिवाइड हो गया, एक तो पाकिस्तान और एक ईस्ट पाकिस्तान, ये बांग्लादेश जो बन गया आज के डेट में। 1971 में ये हुआ था इंदिरा गांधी जी के द्वारा, कहीं ना कहीं जो डिप्लोमेसी खेली गई वो इस तरीके से थी, कहीं ना कहीं बैलेंस बनाकर चला गया, एक साइड में यूएसए था, एक साइड में यूएसएसआर था, यूएसए जो था वो था पाकिस्तान के फेवर में, और यूएसएसआर को वो अपने फेवर में लेके आई यहां पर फ्रेंडशिप ट्रीटी साइन कर। तो जो पूरी डिप्लोमेसी थी, जैसे उन्होंने आर्मी के जो चीफ थे उनके साथ में बात करके कैसे यहां पर पूरे मैटर को कंट्रोल किया, और कितने शांतिपूर्ण ढंग से हमारी कंट्री को बिना ज्यादा नुकसान पहुंचाए बांग्लादेश को अलग कर दिया, तो ये बहुत बड़ी एक अचीवमेंट था। इतना कुछ करने के बाद भी उन्होंने इतना कुछ किया वहां पर, जो कि एक बहुत ही एक अहम डिसीजन उस टाइम पर जो लिए गए, फिर भी उन्होंने इलेक्शन में इसको मुद्दा नहीं बनाया, यानी कि इतना कुछ इंप्लीमेंट करने के बाद भी उन्होंने इसको इलेक्शन का मुद्दा नहीं बनाया। तो कहीं ना कहीं आज की डेट में जो ये काम किए जा रहे हैं, यानी कि जो काम आर्मी कर रही है, बालाकोट स्ट्राइक की गई हमारी फोर्सेज के द्वारा, और क्रेडिट ले रही है पॉलिटिकल पार्टी की, हाँ इन्होंने जाकर ये स्ट्राइक कर दी, तो ये बिल्कुल गलत तरीका है। अगर इस तरीके का एनवायरमेंट आप लोग अभी बनाकर चल रहे हैं, तो इन केस अगर फ्यूचर में आर्मी का दिमाग खिसका, तो फिर सारी पॉलिटिकल पार्टी को जरा सी देर में एक बस्ते में बंद कर दिया जाएगा, और फिर आर्मी यहां पर रूल करेगी, तो सोचिए जब आर्मी रूल करेगी तो कैसा होगा।
तो बिल्कुल अगर आप लोग चाहते हैं कि फोर्सेज न्यूट्रल रहे तो अपना पॉलिटिकल इन्वॉल्वमेंट को उससे साइड में रखिए। और जो आप लोगों को देखिए ये अभी फिलहाल अगर पॉलिटिकल टूल की तरीके से आप लोग इसको यूज करेंगे तो इसका क्या क्या कॉन्सिक्वेंसेज हो सकते हैं वो या तो आप लोग दूसरी कंट्री से सीख सकते हैं या फिर आने वाले टाइम में कॉन्सिक्वेंसेज आप लोगों को खुद ही देखने को मिल जाएंगे। ये ऐसी बात यहाँ पर आप लोगों को देखने को मिलेगी कि आप लोगों ने सोचा भी नहीं होगा, क्योंकि जब तक कोई बात नहीं होती तब तक ये लगता है कि ये बात नहीं होगी, पर जब हो जाती है तो लगता है कि अरे यार ये भी हो सकता है। तो इवेंचुअली जिस तरीके से रिसेंटली अभी कई सारे जो हमारे जो आर्मी के लीडर भी हैं उनके द्वारा भी कई सारे कमेंट किए जा रहे हैं इंपॉर्टेंट इंटरनेशनल इश्यूज के ऊपर भी, यहाँ पर रिसेंट अभी कई आर्मी ऑफिसर के द्वारा कमेंट किए गए, तो ये कहीं ना कहीं इसी तरीके से आगे आने वाले टाइम में बात हो सकती है। जैसे आप लोग यहाँ पर पाकिस्तान की आर्मी जैसे सामने निकल कर आती है बार बार, तो अगर वो वाला इशू बन गया तो फिर हमें और पाकिस्तान में कोई फर्क नहीं रहने वाला है। यहाँ पर सारा पॉलिटिकल मुद्दा एक तरीके से आर्मी के कंट्रोल में हो जाएगा, तो ये चीजें आप लोग अवॉइड कीजिए और ये काफी जरूरी भी है, क्योंकि किसी पर्टिकुलर डेमोक्रेटिक कंट्री में सिविलियन सुप्रीमेसी होनी चाहिए ना कि आर्म फोर्स की सुप्रीमेसी होनी चाहिए। तो शॉर्ट टर्म पॉलिटिकल गेन के लिए जो लॉन्ग टर्म यहां पर जो बैलेंस बना हुआ है न्यूट्रल है हमारी ये फोर्स उसको बर्बाद मत कीजिए, वरना इंडियन डेमोक्रेसी के लिए काफी खतरनाक मुद्दा बन जाएगा। तो ये था कंप्लीट आर्टिकल, इसका आंसर आप लोग क्वेश्चन का देने की कोशिश कीजिएगा। बहुत सारे उदाहरण आप लोग ले सकते हैं कि रिसेंटली अभी जो भी इवेंट यहां पर देखने को मिले, जो हमारे पायलट थे उनको वापस लाया गया, उसको भी यूज किया गया यहां पर कई सारी पॉलिटिकल पार्टीज के द्वारा अलग अलग अपना मुद्दा यहां पर साधने के लिए, तो वो भी आप लोग उदाहरण दे सकते हैं। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को भी इन सब चीजों पर ध्यान देना चाहिए, तो ये तमाम डायमेंशन आप लोग यहां पर इंक्लूड कर सकते हैं। आइए बढ़ते हैं अगले आर्टिकल की ओर। नेक्स्ट आर्टिकल यहां पर बात कर रहे हैं नेसेसरी स्टेप होने चाहिए पॉवर्टी को घटाने के लिए। तो सबसे पहले बात की जा रही है इंदिरा गांधी जी के टाइम पर, पॉवर्टी के बारे में कोई सोच नहीं रहा था। 50 साल पहले इंदिरा गांधी जी ने नारा दिया गरीबी हटाओ। अच्छी बात यह है कि किसी पॉलिटिकल पार्टी ने कम से कम नारा तो दिया गरीबी हटाओ, वो अलग बात है कि ये गरीबी अब तक नहीं उठी, पर लेकिन कम से कम उसको पार्ट बनाया गया हाँ अपने पॉलिटिकल मैनिफेस्टो का कि हाँ ऐसा भी हम लोगों को कुछ करना है, तो वो कम से कम कहीं ना कहीं एक सांत्वना देने वाली बात है कि कम से कम बात तो उसके बारे में कर रहे हैं जो कि अब तक बात ही नहीं कर रहे थे। अभी रिसेंटली क्यों है मुद्दा रिसेंटली है बीजेपी और कांग्रेस अलग अलग अपने अखाड़े में आ गए हैं, वो बोल रहे हैं कि हम गरीबी हटाएंगे और ये बोल रहे हैं कि हम गरीबी हटाएंगे। तो बीजेपी के द्वारा यहां पर स्टार्ट की गई प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि पीएम किसान बोला गया और 6,000 रुपए साल देकर इन्होंने बोला कि हम लोग गरीबी हटाने वाले हैं। उसी के चलते कांग्रेस भी ताव में आ गई। कांग्रेस ने बोला यहां पर कि न्यूनतम आय योजना हम लोग लेकर आ रहे हैं जिसमें हम लोग क्या करेंगे 20% जो गरीब लोग हैं उनको यहां पर ये प्रोवाइड कराएंगे, खासकर मिनिमम इनकम, और ये इनकम जो होगी ये 76,000 पर ईयर होगी, यानी कि अगर ढंग से देखा जाएगा 6,000 रुपए पर मंथ होगी, यानी कि जो बीजेपी 6,000 रुपए पर ईयर दे रही है हम वो 6,000 रुपए आप लोगों को एक महीने में देंगे। तो ये बात बोली गई। अब यहां पर राइटर जो है डिस्क्रिमिनेट कर रहे हैं, बोले बीजेपी की जो स्कीम है ये बिल्कुल पॉलिटिकल एजेंडा है कंप्लीटली। कैसे? क्योंकि देखिए यहां पर अगर ये बात करते गरीबी हटाने की, ये बात करते जनता को सुधारने की, तो ये एग्रीकल्चर की जो लेबर है यानी कि खेतों में जो जाकर काम करते हैं मजदूर उनको बाहर नहीं रखते, इन्होंने उसको बाहर रख दिया। अर्बन जो पेमेंट है ड्वेलर उनको भी इन्होंने बाहर रख दिया, यानी कि जो काफी इस तरीके से जिसको ये पैसा दे रहे हैं 6,000 उनकी भी हालत ज्यादा अच्छी नहीं है, पर उनसे भी ज्यादा बुरी हालत है यहां पर जो ये पर्टिकुलर कम्युनिटी जिसके बारे में हम लोग बात कर रहे हैं, तो इनको इन्होंने बाहर रख दिया। तो सीधा सीधा मतलब क्या हो गया, ये एक पॉलिटिकल एजेंडा हो गया यहां पर। इन्होंने यहां पर जो जनता के फायदे के बारे में सोचा ही नहीं है, इन्होंने जिस इलेक्शन का ये दांव खेला है पहली बात। दूसरा, जिस तरीके से इसको इंप्लीमेंट किया गया है बहुत सारे लोग यहां पर परेशान हो गए, क्योंकि इंप्लीमेंट इतने आपन थामन में इसको किया गया है कि लोगों के पास में डॉक्यूमेंट नहीं थे, किसी के पास में कुछ नहीं था, बस ये बोला गया राज्य के चीफ मिनिस्टर को कि इंप्लीमेंट करनी है इलेक्शन के मैनिफेस्टो से पहले, आप लोग वो इलेक्शन का जो मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट है उससे पहले ये आप लोगों को इंप्लीमेंट होनी चाहिए। अगर बात करें यहां पर जो न्यूनतम आय योजना है ये यहां पर जो कांग्रेस की मैनिफेस्टो में है ये, तो इसमें देखिए कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं हो रहा है, इसमें ये नहीं है कि इसको देना है इसको नहीं देना है, इसमें ये बोला है कि जो 20% सबसे गरीब नीचे का है जो तबका उसको दी जाएगी, ये नहीं कि यहां पर थोड़े से अमीर को दे दे और गरीब को छोड़ दे, तो यहां पर ये कोई प्रॉब्लम नहीं है। सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम है यहां पर जो क्रिटिसाइज इसको किया जा रहा है वो है कि पैसा कहां से आएगा, ये सबसे बड़ा मुद्दा यहां पर आज के डेट में देखने को मिल रहा है। अगर कंसीडर किया जाए तो बोला जा रहा है कि लगभग 36 लाख करोड़ पर एनम यहां पर इसकी कॉस्ट आएगी अगर यहां पर NYAY को इंप्लीमेंट किया जाता है। ये 13% बोला जा रहा है हमारा जो बजट है उसका, और खासकर जो हमारी कंट्री में जो सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम है यानी कि जो भी स्कीम चलाई जाती है प्रधानमंत्री जनधन योजना दूसरी या फिर जो सब्सिडी दी जाती है अगर उनको भी यहां पर कंबाइन कर लिया जाए तो उससे भी ज्यादा है यहां पर है। तो 13% ये पैसा आएगा कहां से, ये यहां पर डबल है अगर देखा जाए हेल्थ और एजुकेशन की हम लोग बात करते हैं,
तो देखिए दो तरीके होते हैं। एक तो तरीका ये होता है कि आप लोग जो भी यहाँ पर स्कीम चल रही है उनको आप लोग हटा दीजिए, यानी कि आप लोग जो स्कीम लेकर यहाँ पर चल रहे हैं सेंटर की स्पॉन्सर्ड स्कीम है उनको हटा दीजिए। दूसरा ये है कि कुछ जो इंपॉर्टेंट स्कीम है उनको साथ में रखिए, और खासकर आप लोग देखिए एक तरह से पैरेलल में लेकर चल सकते हैं, यानी कि एक छोटी सी इनकम भी देना स्टार्ट कर दीजिए और जो साइड में स्कीम चल रही है उनको भी चलने दीजिए। जैसे यूनिवर्सल बेसिक इनकम के बारे में हम लोगों ने बात की थी, यूनिवर्सल बेसिक इनकम को हमेशा ये बोला जाता है कि वो सप्लीमेंट होना चाहिए, ऑल्टरनेटिव नहीं होना चाहिए। मतलब ये है कि अगर आप लोग यहां पर हेल्थ से रिलेटेड कोई स्कीम चला रहे हैं, एजुकेशन से रिलेटेड कोई स्कीम चला रहे हैं, उनको चलने दीजिए। ये यहां पर सप्लीमेंट के तौर पर आप लोग इसको यूनिवर्सल बेसिक इनकम दीजिए लोगों को, ताकि उनकी कंडीशन और ज्यादा सुधर सके। अगर आप लोग ऑल्टरनेटिव लेकर चलेंगे तो देखिए उससे भी कंडीशन यहां पर खराब हो सकती है। पर लेकिन जो यहां पर अब तक यहां पर इतने दिनों से जो चली हुई आ रही स्कीम है वो ढंग से काम नहीं कर पा रही है, क्योंकि आप लोग देखते हैं अब तक भी हमारी कंट्री में ये पॉवर्टी खत्म नहीं हो पाई है। कम से कम मिनिमम सर्विस तो आप लोगों को प्रोवाइड करानी ही पड़ेगी अगर आप लोग बेसिक इनकम भी देने की बात करते हैं। जैसे आप लोग वाटर की फैसिलिटी, सैनिटेशन या फिर हेल्थ और एजुकेशन, ये तो कंटिन्यू आप लोगों को रखना ही पड़ेगा, इसको आप लोग खत्म नहीं कर सकते। और इंडिया में अगर आप लोग इसको खत्म कर चलेंगे तो फिर भी आप लोग लंबे समय तक भी अगर लगे रहेंगे तो भी आप लोग गरीबी को नहीं मिटा पाएंगे। तो गरीबी अगर आप लोगों को मिटानी है तो आप लोगों को मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी के ऊपर फोकस देकर चलना पड़ेगा। ये क्या है, यह है तीन मुद्दा, हेल्थ, एजुकेशन और किस तरीके से लोग रह रहे हैं उसके बारे में सोचना पड़ेगा। खाने पीने, बच्चों की मोरल, जो बच्चे यहां पर आज के दिन में जान जा रहे हैं उसके बारे में सोचना पड़ेगा। स्कूल में जा कौन रहा है और स्कूल अटेंड कौन कर रहा है, कितने साल तक अटेंड कर रहा है, खाना पीना, वाटर, इलेक्ट्रिसिटी, फूड, ये सारी चीजें। तो थ्री डायमेंशन जो पॉवर्टी है, यानी कि मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी पर फोकस अगर आप लोग देकर चलेंगे तो ही यहां पर सॉल्यूशन निकलेगा। ऐसे आप लोग बोलते रहे वैसे सॉल्यूशन इसका निकल कर आने वाला है नहीं। अगर इनकम सपोर्ट की यहां पर बात की जाए तो देखिए ये आप लोगों को ऑल्टरनेटिव लेकर नहीं चलना है, वो मैंने भी आप लोगों को बताया। और अगर कोई बोले कि देखिए ये कोई शॉर्ट टर्म तो है नहीं कि अलादीन का चिराग घिसा और गरीबी खत्म हो जाएगी, पर लेकिन ऐसा भी नहीं है कि हम लोग इसको असंभव है कि इसको खत्म नहीं कर सकते, यानी कि दोनों ही तरीके हैं। आप लोग बोले कि खत्म नहीं होगा वो भी सही नहीं है, और बोले कि एकदम खत्म हो जाएगा वो भी सही नहीं है। तो एक प्रॉपर पैटर्न में, एक प्रॉपर फेज्ड मैनर में आप लोगों को चलना पड़ेगा अगर आप लोग रियली में सॉल्यूशन निकालना चाहते हैं, ये बात यहां पर बोली जा रही है। ठीक है, तो काफी इंपॉर्टेंट आर्टिकल था, इसके बारे में आप लोगों को आइडिया होना चाहिए। आइए अब आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट यहां पर बात की जा रही है पॉपुलेशन मल्टीप्लीकेशन के बारे में। पॉपुलेशन की अगर बात की जाए तो इंक्रीज परसेंटेज जो 2010 से लेकर 2019 तक हुआ वो बात यहां पर देखने को मिल रही है इन मिलियंस, यानी कि कितने मिलियन यहां पर बढ़ रही है। ठीक है, तो इसकी बात की जा रही है। एशिया पैसिफिक का जो इंक्रीमेंट बोला जा रहा है वो 1% यहां पर अभी इंक्रीमेंट देखने को मिला। अलग अलग पॉपुलेशन यहां पर बताई जा रही है, सबसे ज्यादा जो पॉपुलेशन है वो है चाइना की, आप लोगों को पता होना चाहिए। दूसरे नंबर पर है इंडिया की, और तीसरे नंबर पर आगे देखकर मिलेगी और सारी कंट्री जो कि यहां पर अलग अलग कंट्रीज हैं। ठीक है, जैसे कि अदर कंट्री, इंडोनेशिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश या वेस्ट अफ्रीकन, यूरोपियन या अरेबियन कंट्री, सबकी अलग अलग यहां पर पॉपुलेशन है। पर सबसे फास्टेस्ट ग्रोइंग आज की डेट में जो देखने को मिल रही है वो यहां पर हमारी कंट्री को बोला जा रहा है। आने वाले टाइम में चाइना को हम लोग रिप्लेस कर देंगे बड़ी ही जल्दी। और बाकी अगर आप देख यहाँ पर डेटा के मैनर में देखा जाए कि सबसे फास्टेस्ट ग्रोइंग कौन सी है पॉपुलेशन, तो वो अफ्रीका में बोला जा रहा है। अफ्रीका यहाँ पर सबसे फास्टेस्ट ग्रोइंग पॉपुलेशन यहाँ पर देखने को मिली 2010 से लेके 2019 तक। तो ये इंपॉर्टेंट डेटा आप लोगों से पूछा जा सकता है। इसी के साथ में जो यहाँ पर ये ग्राफ है टोटल फर्टिलिटी रेट की यहाँ पर बात की जा रही है, और क्या यहाँ पर नीड है फैमिली प्लानिंग की उसके बारे में यहाँ पर बोला जा रहा है। तो ये यहाँ पर अलग अलग कंट्री का डेटा है, जैसे कोंगो हो गया, ये नाइजीरिया हो गया, युगांडा, पाकिस्तान, इराक, तो ये यहां पर इंडिया आप लोग यहां पर देखते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से ये डेटा है जो अगर आप लोगों कहीं यूज कर सकते हैं तो इसको यूज कीजिए, इंपॉर्टेंट डेटा है। खासकर अगर यहां पर बात कीजिए कि ज्यादा जो पॉपुलेशन ग्रोथ किसकी देखने को मिल रही है और कौन कौन सी कंट्री की पॉपुलेशन कितनी है, ये हल्का सा आइडिया आप लोग रख सकते हैं। ये जो आप लोगों के सामने कंप्लीट डेटा था, आइए अब आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट जो इन्फॉर्मेशन निकल कर आ रही है, ये इन्फॉर्मेशन यहाँ पर बात कर रही है अपोजिशन, ये बोल रही है कि 50% कम से कम पेपर ऑडिट ट्रायल होनी चाहिए ताकि पता चल सके कि जो वोटर हैं उनकी वोट को नेगेटिवली मिसयूज नहीं किया जा रहा है। तो यहाँ पर अभी बोला गया था एक ईवीएम की जगह 5 ईवीएम यूज कर लेंगे, वो डेटा यहाँ पर सेटिस्फाई नहीं कर रहा है अपोजिशन पार्टी को, वो यहाँ पर इसको दूसरी तरीके से देख रहे हैं। आगे बात करते हैं इंडियन एयरफोर्स के द्वारा यहाँ पर बोला जा रहा है डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल के काफी लंबा समय से मुद्दा पड़ा हुआ था 295 जो ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट है ये यहाँ पर रिप्लेस करने वाला है, ये एवरो फ्लीट इसको यहाँ पर रिप्लेस करने वाला है। ये जो एयरक्राफ्ट हमारी कंट्री में लाने की बात की जा रही है काफी लंबे समय से, डिफेंस एक्वाइजेशन काउंसिल DAC, इसके बारे में हम लोगों ने क्वेश्चन डिस्कस किया था मॉर्निंग में, जो वीडियो आती है आप लोगों की क्वेश्चन की। तो देखिए कई बार आप लोगों को यहाँ पर डायरेक्ट इसके बारे में नहीं पूछा जाएगा, किसी पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन के बारे में, जैसे वो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था मैंने पूछा था कौन सी मिनिस्ट्री के अंडर में आती है, बताइए कौन सी मिनिस्ट्री के अंडर में आती है और क्या क्या काम के लिए यहाँ पर इसको यूज किया जाता है, कौन इसको चेयर
क्लियर करता है तो ऐसे क्वेश्चन बन जाते हैं। इसीलिए बोलते हो क्वेश्चन की प्रैक्टिस साथ में कर जरूर चलिए ताकि आप लोग एग्जामिनेशन हॉल में कंफर्टेबल फील कर सके। आगे जो बात की जा रही है वर्ल्ड का लार्जेस्ट यहां पर एरोप्लेन की बात की जा रही है जो कि 2 फ्यूल स्टेज है और 6 बोइंग 747 इंजन यहां पर यूज किए जा रहे हैं। ये कैलिफोर्निया में इसका एक्सपेरिमेंट किया गया फर्स्ट फ्लाइट अभी रिसेंटली, ठीक है। ये आप लोग देखते हैं कितना लंबा है, वैसे भी इसके बारे में हल्का सा आइडिया आप लोग रख सकते हैं। आगे बात करते हैं यहां पर नेक्स्ट जो बात की जा रही है, ये बात की जा रही है एक पर्टिकुलर पर्सनैलिटी जिनका नाम है जीवन दास। जीवन दास ने 1951 के इलेक्शन में वोट डाला था, अब ये 103 साल के हो गए हैं, अब फिर से यहां पर वोट डालने जा रहे हैं और बोला है कि एक भी बार ये फेल नहीं हुए वोट डालने में। तो देखिए कितना इंपॉर्टेंट है। यूएसए के द्वारा एक इन्फॉर्मेशन दी गई है, हमारी कंट्री में 6 लाख डॉक्टर की कमी है और लगभग 2 मिलियन नर्स की। तो देखते हैं कैसे आप लोग यहां पर जनता को ठीक रख पाते हैं। और ये लाइफ सेविंग ड्रग की भी एक्सेसिबिलिटी है वो काफी कम है, यानी कि जो अच्छी दवाइयां हैं वो लोगों को नहीं मिल पा रही हैं, इसके बारे में बात की जा रही है। 25 ईयर ओल्ड एक मैकेनिकल इंजीनियर के द्वारा एक खतरनाक दुर्घटना यहां पर की गई, अपनी गर्लफ्रेंड की बॉडी को मतलब काटा पीटा गया, उसको मारा गया और पास के एक गांव में जाकर फेंक दिया गया। एग्जाम में नहीं आने वाली है ये न्यूज, पर लेकिन देखिए आज की डेट में बड़ा ही फ्रीक्वेंट हो चुका है, खासकर गर्लफ्रेंड और बॉयफ्रेंड वाला फंडा। यहां पर यह है गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड बनाइए पर लेकिन एक दूसरे की लिमिटेशन सेट रखिए, ठीक है। कहीं आप लोगों को इस कंडीशन पे ना पहुंच जाए कि कहीं ना कहीं जान चली जाए किसी पर्टिकुलर इंसान की इस चक्कर में। तो देखिए खासकर लड़कियों के लिए काफी सिक्योर यहां पर रहने की जरूरत पड़ती है, क्योंकि देखिए जरा सी देर में अगर कोई भी ऐसी कंडीशन बन गई, क्या पता क्या सिचुएशन बनी हुई है, तो कम से कम कुछ ऐसा सिक्योरिटी का काज रहेगा। किससे मिलने आप लोग जा रहे हैं यहां पर, तो कम से कम अपने किसी फैमिली मेंबर को एक बार बताकर जाइए, क्योंकि कई बार यहां पर जैसे अभी हुआ 25 ईयर ओल्ड मैकेनिकल इंजीनियर था, गर्लफ्रेंड को मारा गया और एक ब्रीफ केस में सूट केस में पैक करके उसको दिया गया। समझ रहे हैं आप लोग क्या कंडीशन यहां पर हो जाती है। तो कहीं पर भी जाइए ये अगर आप लोग रिलेशनशिप है उसमें बैलेंस बनाकर चलिए, वरना बहुत बुरी कंडीशन बन जाती है, इवन जान तक यहां पर जा रही है। तो ये आप लोगों के ऊपर डिपेंड है, आप अपने आप को कितना सिक्योर रखते हैं। पता नहीं किस इंसान का कब यहां पर मूड खिसक जाए, तो थोड़ा सा आप लोगों को अपने ऊपर फोकस देकर चलना पड़ेगा। बात करें अगर पाकिस्तान की, तो पाकिस्तान ने 100 फिशरमैन और रिलीज कर दिए पुलवामा अटैक के बाद में। ये एक और यहां पर गुडविल जेस्चर दोनों कंट्री के बीच में आप लोग बोल सकते हैं। नेक्स्ट यहां पर वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा बोला जा रहा है कि जो आज की डेट में फाइटिंग चल रही है खासकर लीबिया के अंदर, तो 121 लोग यहां पर मारे गए हैं। तो देखते हैं कैसे यहां पर सिचुएशन को हैंडल किया जाता है, काफी खतरनाक ये कंडीशन बनी हुई है। इसी के साथ में जूलियन असांग के जो फादर हैं, इनके द्वारा बोला गया कि ऑस्ट्रेलिया गवर्नमेंट से कि प्लीज मेरे बेटे को वापस लेकर आओ, क्योंकि देखिए बड़ी बुरी कंडीशन में इन्होंने देखा 7 साल के बाद ये वापस निकल कर आए, उससे जो एम्बेसी में था, तो इनके द्वारा काफी लंबे समय बाद उनको देखा, तो ये देखकर दंग रह गए। क्योंकि आप लोगों ने भी देखा होगा दोनों पिक्चर में क्या डिफरेंस है, ये इनकी पिक्चर थी जब इनको गिरफ्तार किया गया और ये इनकी आज की पिक्चर है। तो आप सब समझ सकते हैं कि एक फादर किस तरीके से अपने बेटे को देखेगा, तो उसके ऊपर क्या बीतेगी। तो कुछ ऐसी रिएक्शन इनके फादर की रही। बाकी यहां पर शानदार तरीके से बैसाखी का जो फेस्टिवल है संडे में आप लोग देखते हैं, उसके उपलक्ष में ये गोल्डन टेम्पल अमृतसर में एक काफी शानदार लुक आप लोगों को यहां पर दे रहा है। आगे बात करते हैं, ये है आप लोगों के सामने जो क्वेश्चन पूछा गया था, ये है यहां पर आइसलैंड, ये पर्टिकुलर एरिया हमारा कंट्री हो गया ये, और यहां से ये है आइसलैंड। इसके बारे में अगर आप लोग बात करें, तो अगर फ्लैग की बात करें, इसका फ्लैग हो गया यूरोपियन कंट्री है ये यहां पर। अगर आइसलैंडिक कोरोना इसकी कैपिटल हो गई और रेकिजविक इसकी यहां पर कैपिटल होगी, तो हल्का सा आइडिया आप लोग रख सकते हैं। आइए नजर डालते हैं आज के क्विज के ऊपर। सबसे पहला जो आप लोगों के सामने क्वेश्चन है सारे, ये सबसे पहले बात की जा रही है गरीबी हटाओ किसके द्वारा सबसे पहले नारा दिया गया था। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि ये किसकी स्कीम है, और यहां पर जो न्यूनतम आय योजना ये किसकी स्कीम है, यानी कि पॉलिटिकल पार्टी के नाम आप लोगों को बताने हैं। इंपॉर्टेंट है दोनों स्कीम, इनके बारे में पता होना चाहिए। वोटिंग की अगर बात की जाए 1951 से एक बार भी नहीं चुका ये इंसान, इनका नाम आप लोगों को बताना है, और ये 103 साल के हैं। नेक्स्ट यहां पर बात की जा रही है एयरफोर्स के द्वारा एक्वायर करने की, डिफेंस एक्वाइजेशन काउंसिल के द्वारा काफी लंबे समय से जो प्रपोजल पड़ा हुआ है, यह C295 के बारे में, जो कि एक ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट है, ये किसको रिप्लेस करने वाला है। नेक्स्ट हमारी कंट्री में 6 लाख डॉक्टर 2 मिलियन नर्स की कमी है, ये एक इन्फॉर्मेशन किसके द्वारा दी गई है। लीबिया में 121 लोग अभी मारे गए हैं और ये कंडीशन काफी खतरनाक है, ये इन्फॉर्मेशन किस ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा रिवील की गई है। तो इधर टोटल आज का डिस्कशन, आई होप कि आप लोगों को लेक्चर पसंद आया होगा, पसंद आता तो लाइक करना मत भूलिए। इसी के साथ में कनेक्ट रह सकते हैं फेसबुक इंस्टाग्राम और टेलीग्राम पर, सारे लिंक वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे, क्वेश्चन के आंसर जरूर दिया कीजिए। इसी के साथ में देखिए आसपास सफाई रखिए, पानी और पेड़ पौधों को सेव कीजिए और रिविजन करते रहिए। अगर रिविजन करते हैं आपका फायदा होगा, सामने वाले का फायदा होगा। तो बड़ों को नमस्ते, छोटों को प्यार, छोटी सी लाइफ एंजॉय करो यार, मिलता हूं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए जय हिंद।